थैंक यू, थैंक यू मैम। जिस तरह से आंदोलन लगातार जारी है, सातवां दिन आज है, साथ ही पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, देशव्यापी एक तरीके से बढ़ता ये जा रहा है। सरकार कह रही है किसानों को बरगलाया जा रहा है, आपके क्या तर्क है? देखिए, मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि किसान भाइयों को प्रॉपर मैसेज नहीं पहुँचा है। पूरा जो इसका एजेंडा है और इससे उनके प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, ये किसान भाइयों को नहीं समझाया जा सका है। ये जो बिल आया है, आप फर्क देखिए, पहले किसानों के लिए केवल एक ही स्रोत होता था, प्लेस होता था अपनी उपज को, प्रोड्यूस को बेचने के लिए, वो होती थी मंडी। अब अगर किसान उनको चार पांच और ऑप्शन देती है कि एक प्राइवेट कंपनी भी आपके खेत पे जाकर के अच्छे दाम पे खरीद सकती है, आप ऑनलाइन कहीं पे भी बेच सकते हैं या आप खुद बेच सकते हैं, तो मंडी एक मार्केट प्लेस होती थी, उसकी जगह यहाँ पे गवर्नमेंट ये कर रही है कि बहुत सारे मार्केट प्लेस किसानों को दे रही है, फैसिलिटेट कर रही है। दूसरा ऑब्जेक्शन किसानों का ये हो सकता है या जो है कि हमें प्रॉपर रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं सीधे सीधे बोलना चाहूंगा, आप अमूल का उदाहरण लीजिए, बिहार में सुधा डेयरी है, उनका उदाहरण लीजिए, वो लोग मिल्क प्रोक्योर करती है, यानी किसानों के यहाँ से जाके दूध उनके घर घर से वो इकट्ठा करती है, फिर हम लोगों को दूध और बटर मिलता है। तो जब ओपन मार्केट होगा, अभी तक रेट डिसाइड होते थे गवर्नमेंट या मंडी से, अब प्राइवेट प्लेयर भी अगर आएंगे या कोई एक व्यक्तिगत आदमी भी खरीदना चाहेगा, तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो वहां पे रेट डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है। मंडी का रास्ता तो बंद हुआ नहीं है, मंडी के साथ साथ चार पांच और जगह आपको मार्केट प्लेस अगर बेचने के लिए मिल रहे हैं, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का और बिजनेस का कि जितने मार्केट होंगे उतने प्लेयर होंगे, उतना कॉम्पिटिशन होगा और उतना बेनिफिट किसानों को मिलेगा। ये चीज किसान क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, या तो प्रॉपर उनको जो है समझाया नहीं गया है, या वो लोग समझना नहीं चाहते हैं इसके बेनिफिट के। दूसरा रीजन ये है कि अभी ये बिल नया नया आया है, एज्यूम करना कि फ्यूचर में ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा, ये एकदम गलत चीज है। इसको कुछ दिनों तक इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर बिल को वापस लेना है तो साल, दो साल, पांच साल, एक पंचवर्षीय योजना चला के इम्प्लीमेंट करके अगर प्रॉफिट आता है सही है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर नुकसान होता है किसी भी परियोजना में, अगर नुकसान होता है तो अपने आप वो परियोजना बंद हो जाती है। तो सारी फ्रीडम तो किसानों के हाथ में है, सब कुछ तो किसानों के हाथ में है, तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बैठ के गवर्नमेंट और किसान के जो लॉजिकल बात करनी चाहिए, न कि वन साइडेड की हाँ जी हम इसी बिल को इम्प्लीमेंट करेंगे और किसान नहीं जी ये तो पूरा वापस लो हम तभी मानेंगे। ये इलॉजिकल चीजें हो रही हैं। लॉजिकल इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, एग्री इकोनॉमिक्स के पैरामीटर पे आप इसको देखिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। फायदा होता है तो ऑटोमेटिकली हाथों हाथ लिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसानों को छोड़ के दुनिया भर में, देश भर में और किसान है हर राज्य में, उनको भी एग्री इकोनॉमिक्स की समझ है। वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं है, केवल पंजाब से हो रहा है जी, राजस्थान से हो रहा है। तो ये जो जियो एग्रीकल्चरल पॉलिटिक्स हो सकती है, इसको भी समझना जरूरी है कि इंडिया में जियो एग्रीकल्चरल पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, इस एंगल से भी देखना जरूरी है। अभी आपने कहा पंजाब से, पंजाब में ये आंदोलन हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों ने भी इसमें शिरकत ले ली है। बहरहाल सवाल मेरा आपसे ये, आपको क्या लगता है ये आंदोलन सरकार की मंशा पर किसान कर रहे हैं या फिर कानूनों की शंका पर कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक चीज ये है कि एग्री इकोनॉमिक्स के पैरामीटर पे किसानों को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। जिस हिसाब से मैं मानता हूँ कि मॉडर्न डेज में जो सारे पैरामीटर बदल रहे हैं, हर देश ये सोच रहा है कि हमें नए मार्केट प्लेस मिले जहाँ पे कि हम अपनी चीजों को खपा सकें और हमें तुरंत जो है उसको स्टोर भी न करना पड़े, अच्छा दाम भी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल एंगल कुछ इसमें ज्यादा मुझे लग रहा है, और जेन्यून जो प्रॉब्लम है, इनकी जो दो तीन प्रॉब्लम है, एमएसपी को छेड़छाड़ की नहीं गई है, मंडी के साथ साथ आपको कई और मंडियां मिल रही है बेचने के लिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप मुझे ये बताइए, अगर कोई आदमी आपके घर पे आके आपका जो है उपज खरीद रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा है तो आप मत बेचिए। बहुत बड़ा तबका ये भी बोल रहा है कि भाई इसमें जोर जबरदस्ती चलेगी, अगर 100 रुपए एमएसपी हुई है डिसाइड गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो 50 रुपए में ही जबरदस्ती बिजनेसमैन खरीद लेंगे। अरे कोई बिजनेसमैन आके, अडानी हो, अंबानी हो, आपके घर से जहां आपने रखा है अनाज, वहां से आपकी फसल काट के कुड़ी ले जाएगा जब तक कि आप परमिशन नहीं दोगे।
इतनी बड़ी गुंडेगर्दी तो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी खरीदार नहीं कर सकता है। इन एंगल से सोचना चाहिए। और जो मैंने बोला मतलब एग्री इकोनॉमिक्स जियो पॉलिटिकल एग्रीकल्चर के लिए जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए मिस्टर जी, पॉजिटिव एस्पेक्ट आप इसका देख रहे हैं, किसान नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं, हम पत्रकार हैं, हम दोनों देख रहे हैं और दोनों के मद्देनजर सवाल समाज कर खड़े कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये कि मंडियों के बाहर आजादी किसानों को मिल रही है कि वो मंडियों के बाहर जाकर भी बेच सकते हैं, लेकिन केवल 6% किसान ही ऐसा था जो मंडियों तक पहुंच पाता था, बाकी का 94% बाहर ही बेचता था। दूसरी बात आपने ये कही है कि उनको आजादी मिल रही है अब इधर उधर बेचने की, चलिए ठीक है, फायदा होता है जैसा कि आपने कहा तो परियोजना आगे चलेगी, फायदा अगर नहीं होता है तो सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, उस पर किसान सवाल कर रहा है। देखिए अगर मान लीजिए 1-2 साल इंप्लीमेंट करने पे इस प्रोजेक्ट के फायदे नहीं दिखते हैं तो मैंने आपको बोला कि स्वतः मृत्यु हो जाती है उस परियोजना की, उस परियोजना को एबंडेंट कर दिया जाता है। पास्ट में भी सरकारें किसी की रही किसानों को मैं बोलता हूँ ये नई परियोजना अगर सेल हो जाती है तो मंडी वाला ऑप्शन तो है ना, जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है किसानों की उपज को खरीदने का, प्रिप्योर करने का, वो सिस्टम तो है ना, उसी में ये एक एडिशनल सिस्टम जो है वैल्यू एडिशन है। मैं तो इसको बोलूंगा एग्री इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये वैल्यू एडिशन है एग्जिस्टिंग सिस्टम में। हमारे साथ जुड़े नए कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, तो फिर भी हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं।